नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एपी प्लस, रेलवे परीक्षा, यूपीपीसीएस जैसे प्री और एमएन जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को के दृष्टिगत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चलाई जा रही है उसका ये भाग 8 है। इस पूरी सीरीज के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आप स्वयं देखें कि इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। अगर आपको ये प्रश्न ठीक लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, पहले देखें। और ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। आपको वीडियो देखने में अगर कोई समस्या आ रही है, जैसे वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही या फिर पूरा वीडियो नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा है, पीडीएफ पूरा नहीं दिख रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा करके और फुल स्क्रीन करके देखें तो आपको पूरा वीडियो दिखाई देगा। मित्रों, दूसरा मैं आपसे सुझाव लेना चाहता हूँ कि मेरी इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ आपको दिखाई देती हैं। अगर आपको कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है आयात निर्यात यानी एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ। तो आयात निर्यात बैंक या एक्जिम बैंक 1982 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है ऐसा कौन सा राज्य है जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। तो सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 4 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये 1998 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1995 में मध्यान्ह भोजन योजना चालू करने का क्या उद्देश्य था। तो इसके उद्देश्य कई एक थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य ये भी था कि प्राथमिक से जुड़े बच्चों के पोषण के लिए उन्हें शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पोषक भोजन देना। प्रश्न नंबर 6 है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किसके जन्मदिवस पर किया गया था। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2022 तक हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षेत्रीय या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसका आंसर है 70 लीटर। प्रश्न नंबर 8 है निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी। तो निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो नरकसे नामक अर्थशास्त्री ने दी थी, निर्धनता दुष्चक्र। प्रश्न नंबर 9 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है। तो भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या 53 मिलियन है, जबकि 51 मिलियन के लगभग पुरुष वयोवृद्ध
हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है सिक्किम की। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। और आपसे मेरा प्रश्न है कि आप आंसर दें, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर है बिहार। और आपसे मेरा यहाँ पर एक अनुरोध है कि आप एक प्रश्न का उत्तर दें कि सबसे अधिक साक्षरता दर, सामान्य साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए बता देते हैं, इसकी है केरल की साक्षरता दर पूरे देश में सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943, यानी उत्तर प्रदेश का 912 है लिंगानुपात, और पूरे भारत का अगर बात की जाए तो 943 लिंगानुपात है। इसको ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। भारत के किन पांच राज्यों में कुल जनसंख्या का आधी जनसंख्या निवास करती है? यानी पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या की लगभग आधी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ठाणे कल्याण नगर, ये महाराष्ट्र पड़ता है, का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 17 है, सकल घरेलू प्रसन्नता सूचकांक, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश में विकसित की गई थी? ये की गई है भूटान द्वारा। अमेरिका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। और भारत का कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। प्रश्न 19, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा प्रकाशित होता है। प्रश्न नंबर 20 है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। ये भारत से हैं, इसके लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन बैपटिस्ट से का। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन है जॉन बैपटिस्ट से का। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर जेके मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन किसे कहते हैं? ये देशों के बीचों में लोगों का संचलन अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल विहार प्रणाली, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का, बाल विहार प्रणाली या किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक कौन हैं? तो बाल विहार प्रणाली या किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक फ्रेडरिक फ्रॉविल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, वाहिनी दरबार समाचार पत्र किस राज्य की महिलाओं द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं द्वारा प्रकाशित अखबार है, वाहिनी दरबार। प्रश्न नंबर 28 है, उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र के को बजाते हैं? ये सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं। प्रश्न नंबर 29 है, किस यूरोपीय देश में पहली बार परमाणु रिएक्टर दुर्घटना हुई थी? तो 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इस तरह से ये सामान्य ज्ञान सीरीज का भाग 8 पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।